वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ एंड मेरा नाम अमित कुमार। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले सॉरी, क्योंकि आज अपने चैनल पर मैं 11 दिनों के बाद आपके बीच में मैं हाजिर हूँ एक छोटे से वीडियो के साथ। और आज उस जगह पर चलने वाले हैं जहां पर जाकर हम ये देखेंगे कि पहले और अब में कितना अंतर दिख रहा है, क्योंकि पहले वहां पर हर समय आप कम से कम एटलीस्ट 50-60 लोग आपको दिख जाते थे, मगर अभी का जो सिचुएशन उसे हम चलकर देखने वाले हैं। उससे पहले आज गोवा में टोटल कोविड केसेस 497 मिले और रिकवरी 287, और इसी तरह गोवा का सिलसिला यार चलता आ रहा है कुछ दिनों से, मतलब कुछ मंथ से, और ऐसे ही कंटिन्यू चल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी और जगह है जहां पर हम चलने वाले हैं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर हो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब आप मुझे वहां फॉलो कर लेना मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, और वहां पर चलकर आपसे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे रोड मतलब कितना यार एमटी दिख रहा है, आप खुद देख लो यार। अब चलने वाले हैं, यहां से लेने वाले हैं हम लेफ्ट और चलेंगे उस चर्च के पास, जो लोग जब गोवा में आते हैं उस चर्च पर जाकर वहां दीदार करते हैं, मगर अभी उस चर्च पर आपको एक भी लोग नहीं मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के जर्नी, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया तो। वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया मिल गया होगा कि अभी गोवा का क्या सिचुएशन चल रहा है। देख लो जितने भी मार्केट है ऑलमोस्ट सारे बंद ही हैं। अब यहां से हम चलकर लेने वाले हैं लेफ्ट और चलकर दीदार करने वाले हैं चर्च का, जो गोवा के पणजी का फेमस चर्च है। और आप भी देखना कि उस जगह पर कितने लोग आपको दिख रहे हैं। तो चलो अब आपको नज़ारा लेने का समय आ चुका है। तो ये देख लो चर्च और ये देख लो यार सिचुएशन। तो कुछ इस तरह से अभी गोवा के जितने भी घूमने वाले जगह है उस जगह पर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, चल कर लेते हैं आज का मजा। और यहाँ पर अगर आपको गोवा घूमने का कोई इरादा है तो 15 अक्टूबर तक का आप इंतजार करें, उसके बाद गोवा के लिए आप बुकिंग करा सकते हो। और ऐसे मैं इंस्टाग्राम पर कभी कभी लाइव भी आता हूं, तो वहां पर चलकर आपसे फेस टू फेस बात भी हम कर लेंगे यार। तो आगे चलते हैं, और आज की इस छोटी सी जर्नी में आप और हम लेते हैं थोड़ा मजा गोवा और पणजी के सड़कों पर। तो ये देख लो ग्रीनरी और वेदर कुछ इस तरह से है, बारिश होने का चांस है, मगर गोवा में अभी 2 दिनों से बारिश नहीं हो रहे हैं। और भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर हम दोनों चलेंगे, चलकर मस्ती जरूर करेंगे। और बिलो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। और मुझे बहुत जल्द चलने की ज़रूरत है, कहाँ पर कलंगुट और बागा बहुत जल्द आपको लेकर चलने वाले हैं, चलकर वहाँ थोड़ा मस्ती हम करेंगे। और ऐसे में कांडोलिम गया था जिसका वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं कांडोलिम बीच गया तो वहाँ का सिचुएशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी मैं उसे अपने कैमरे के थ्रू कैप्चर करके रखा हूँ यार, बहुत जल्द अपने चैनल पर लेकर आ जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, और भी आगे थोड़ा चलते हैं, अभी आपको लेकर चलने वाले मार्केट में। और इधर राइट साइड में देख लो ग्रीनरी यार, मॉनसून में गोवा के बात ही कुछ और, मगर इस मॉनसून में गोवा में बहुत कम लोग घूमने आए, समझ सकते हैं क्यों, और ऐसा नहीं होता था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और फर्स्ट टाइम ही हम सब देख रहे हैं, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहां पर हम अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है यार।
उसके वजह से बहुत चीज़ चेंज हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि यार कब तक ये नॉर्मल हो जाएगा। बिलो द कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार आपका क्या इरादा है, आप क्या सोचते हो, कब तक COVID-19 का वैक्सीन हमारे बीच में आ जाएगा। प्लीज़ अगर समय है तो बिलो द कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज जरूर डाल देना यार, पढ़कर थोड़ा अच्छा लगे। सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, अब समय आ गया है कहने के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर बहुत जल्द इसी चैनल पर एक छोटे से वीडियो के साथ, और एक ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर जाने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मतलब कल, तब तक ले बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। और जहां जाओ यार मास्क लगा के ही जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 6:30। बाय, टेक केयर।